एवरीवन, तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग शानदार मत झकास होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक चैप्टर का वीडियो लेकर के आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है लाइट। भाई NTSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लाइट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। लाइट एक तरह की एक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक से बात करूँ बच्चों, तो इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इसकी जो स्पीड एयर और वैक्यूम में जो होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट की दो नेचर होती है, एक पार्टिकल फॉर्म में होती है और एक वेव फॉर्म में होती है बच्चों। ठीक, अब मैं बात करूँगा कि लाइट किसी प्लेन सरफेस पर टकराती है तो दो तरह की घटनाएं घटती है, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आज का जो लेक्चर बनेगा हमारा रिफ्लेक्शन के ऊपर बनेगा, और नेक्स्ट लेक्चर रिफ्रैक्शन के ऊपर, और उसके बाद का जो लेक्चर बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइट फॉर NTSC। ठीक बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबको पता है, आई होप, इतना तो मुझे आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इंसिडेंट रे किसी प्लेन सरफेस पर टकराती है तो टकराकर वापस उसी मीडियम में जा रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो पहला पॉइंट होगा बच्चों, वो ये होगा कि नॉर्मल रे के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो है एंगल आई, और नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा है, या फिर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रही है वो है एंगल आर। ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है बच्चों की, सेकंड पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे किसी एक पॉइंट पर प्रेजेंस होते हैं बच्चों। ठीक, अच्छा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ बच्चों स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर से पहले बात कर लूँ मैं प्लेन मिरर की। जैसे कि मान लो जी, आप सुबह सुबह क्या करते हैं, आप किसी आपके मिरर के सामने जाते हैं, तो जो डिस्टेंस आपकी मिरर और आपके बीच में होती है वही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए मेरे और मिरर के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस जो होगा बच्चों वही 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 2 मीटर हो गया। प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी जो इमेज बनेगी बच्चों वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। अच्छा सर, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस? रियल इमेज का मतलब है जब दो रेज आपकी एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है, और रियल के साथ इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब आपका राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा। ठीक, अच्छा, एकदम इरेक्ट बनती है। ठीक है बच्चों, इरेक्ट बनती है और लेटरली इन्वर्टेड बनती है। ठीक, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कि जब आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर को पढ़ने से पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ना पड़ेगा। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर की, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं फलां डिस्टेंस पर है तो आपका इमेज कहाँ पर बनेगा, कॉनकेव मिरर के अंदर। तो कॉनकेव मिरर की मैं फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूँ बच्चों, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर इन्फिनिटी पर है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने कोई रे इंसिडेंट करवाई, तो वो कहाँ से होकर के निकलेगी, फोकस से होकर के निकलेगी। ठीक है, यहाँ से भी आप इंसिडेंट करवाओगे बच्चों, तो यहाँ से इंसिडेंट करवाओगे कहाँ से निकलेगी बच्चों, फोकस से होकर निकलेगी। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर रेज मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? रियल इमेज बनेगी, रियल के साथ आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड के साथ पॉइंट साइज की इमेज बनेगी और फोकस पॉइंट पर बनेगी। अच्छा, सेकंड है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर में, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे हो, जैसे कि देखो सेंटर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ इंसिडेंट लाइट हमने इंसिडेंट करवाई तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकलेगी। फिर वही वापस आप क्या करो बच्चों, फोकस से एक लाइट इंसिडेंट करवाओ। जैसे लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो वो रिफ्लेक्टेड होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जहाँ ये एक दूसरे को मीट कर रही है वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो इमेज देखो बच्चों कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, और एक्चुअल मीट कर रही है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेंटर फोकस के बीच बन रही है और छोटी साइज का बन रहा है। अच्छा, अब आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर पे है, तो देखो यहाँ से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकली, ये आपका फोकस पॉइंट। ठीक, फिर आप अभी एक फोकस से एक रे निकाल दीजिए। जैसे आप इसको एक फोकस से एक रे निकालेंगे बच्चों, ये वाली रे है। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या बिना स्केल के बना रहा हूँ, तो ऐसे आपको
नज़र नहीं आ रहा होगा, आप वहाँ वहाँ पर एक बार घर पे एक बार स्केल से बना करके इसको देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों कहाँ पर मीट करेगी ये इस जगह, मतलब देखिए ना ये ऐसे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे आ गई, तो देखो कहाँ मिल रही है बच्चों, इस जगह मिल रही है। ठीक है, तो मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पे होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पे होता है तो आपकी इमेज भी सेंटर पे, ठीक है, सेंटर बनती है, इक्वल साइज की बनती है। एक्चुअल मीट कर रही है तो रियल इन्वर्टेड सेंटर पे बन रही है और इक्वल साइज की बन रही है, और इक्वल साइज की बन रही है। अच्छा, अब मैं यही बोलूँ कि ये आपका ऑब्जेक्ट अब सेंटर और फोकस के बीच में रख दूँ मैं तो इमेज कहाँ बनेगी। देखो इमेज गई रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकली, अब वापस आपने क्या करा बच्चों, फोकस से एक और रे निकाली, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाया, तो आप लोग इसको बढ़ाएंगे तो बच्चों कहाँ बन रही है इमेज, इस जगह इमेज बन रही है। एक्चुअल में मीट कर रही है तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बियॉन्ड द सेंटर, ये आपका सेंटर था बच्चों, तो सेंटर के पीछे बन रही है इमेज और थोड़ी बड़ी साइज में बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट इतने साइज का था, ये बिग साइज की आपकी इमेज बन रही है। अच्छा आ जाओ जाओ फटाफट फटाफट। अब जो ये है हमारा कि आपका ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर रख दें, फोकस पर रख दें। देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, फोकस पर था, यहाँ से इंसिडेंट करें रिफ्लेक्ट हो गया, फोकस से निकली, तो हम सेकेंड रे हमने क्या कराई सेंटर से निकाली, जैसे हमने इंसिडेंट कराई तो ये इंसिडेंट करा के रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मार्ग पर आ जाती है, वापस उसी पाथ पर लौट आती है। तो आप आगे देखेंगे बच्चों ये आगे रे कभी नहीं मिलेगी, पीछे जाओगे तो पीछे भी ये रे कहीं नहीं मिल रही है। ठीक, तो कहने का मतलब इसमें हम ये बोल सकते हैं तो इमेज बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। रियल तो बनेगी सही, इन्वर्टेड बनेगी और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी और साइज में थोड़ी बड़ी होगी। अच्छा, अब इसके बाद सर एक इम्पोर्टेंट क्या है, इधर आ जाओ। ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर, ठीक। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर, इधर देखो ये आपका क्या है बच्चों, ये है आपका फोकस एंड दिस इज सेंटर, ये आपका पोल। अब मैं क्या करता हूँ, फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराई फोकस, सॉरी, देखो ये ऐसे ही तो दिक्कत होती है, यहाँ पर मार्कर में ऐसे ही दिक्कत होती है बच्चों। ये देखो ये तो आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से करवाई तो ये फोकस से होकर के निकलेगी, फिर सेंटर से हमने यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाई तो इसको ऐसे समझ लेना बच्चों, ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीछे तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब पीछे तो कहीं नहीं मिलने वाली, एक्चुअल में मेट नहीं कर रही है। जैसे आप इसको बच्चों आगे बढ़ाओगे, इसमें आपने आगे बढ़ा तो यहाँ पे इस जगह मिल रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज बनेगा बच्चों वो यहाँ बनेगा। अब देखो इमेज जो बन रहा है, पहले हर केस के अंदर इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, बट इस केस में आपका इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड नहीं बनेगा, वो इरेक्ट बनेगा, सीधा बन रहा है। देखो सीधा बन रहा है और सीधा इरेक्ट के साथ हमेशा जो इमेज बनती है बच्चों वो वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की मैं बात, देखो यहाँ पर देखना कहाँ बन रही है, यहाँ पर आपकी देखो क्या बनेगी, बट आपकी बिग साइज़ की इमेज बनेगी बच्चों, इस वाले केस में आपकी बिग साइज़ की इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इस वजह से आपके जो डेंटिस्ट होते हैं बच्चों, डेंटिस्ट होते हैं ना, आपके दांत में अगर कीड़ा लग जाता है तो कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं इसकी वजह से, ठीक। आपके टॉर्चेस होती हैं, ठीक है, गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती है वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ कॉनवेक्स मिरर की, तो देखिएगा सर कॉनवेक्स मिरर, अब कॉनवेक्स मिरर का भी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो इधर कॉनवेक्स मिरर का क्या बोलता है, कॉनवेक्स मिरर ऐसा नहीं होगा, कॉनवेक्स मिरर आपका किस तरह का होगा बच्चों, इस तरह का कॉनवेक्स मिरर होगा जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये पॉलिश करते हैं बच्चों, ये पॉलिश हम एल्यूमिनियम या सिल्वर की पॉलिश करते हैं, ठीक है बच्चों। जो ये पॉलिश हो रही है वो किसकी हो रही है, एल्यूमिनियम या सिल्वर एज की पॉलिश हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक। अब मान लीजिए आपका इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराए तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जाएगी और यहाँ पर आपका फोकस पॉइंट होगा। यहाँ से भी आपने लाइट इंसिडेंट कराई तो रिफ्लेक्ट होकर के वो ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। तो आप लोग देखोगे ये रे इधर जा रही है, ये रे जा रही है, एक्चुअल में तो मेट करेगी नहीं, तो मिलती हुई प्रतीत करेगी, तो मिलती हुई प्रतीत कहाँ करेगी बच्चों, फोकस से मिलती हुई प्रतीत करेगी। तो मतलब इसका जो इमेज बनने वाला है, इमेज किस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, पीछे बन रहा है मिरर के पीछे बन रहा है तो आपका वर्चुअल बनता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनता है और एट पॉइंट फोकस और पॉइंट साइज का
बनता है। देखो यहाँ पर पॉइंट साइज का बन रहा है, छोटी साइज का बन रहा है इसमें। इसी तरह से एक और केस ले लो बच्चों, एक और केस आपका ये कहता है, ये आपका एक और कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है बच्चों, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल होता है, ठीक है बच्चों, और मैं बोल दूँ कि पोल और ये सेंटर है, पोल और सेंटर के बीच में मैंने मान लीजिए कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ये यहाँ से जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के वापस पीछे चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस पीछे चला जाएगा। सेंटर को थोड़ा पीछे बना लीजिए, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आप लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करवा सकते हो और ऐसे भी जा सकता है ये, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे करवाओगे तो ये ऐसे चले जाएगा, लाइट इंसिडेंट करवाए तो ऐसे चले जाएगा। या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हो बेटा, सेंटर से आप निकाल सकते हो और सेंटर से वापस उसी पाथ पर वापस आ जाता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो अब इसको आप पीछे बढ़ाओगे, ठीक है, इसको आपने पीछे बढ़ाया तो आपको जो ये एक्चुअल मीट कहाँ कर रही है, एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस जगह मिल रही है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इमेज बन जाएगा। मतलब कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट, बाकी ऑटोमेटिकली आप डायग्राम बना लेंगे, कंसेप्ट समझो, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगी बच्चों, मिल जाएगी। सर ये यहाँ पर मिल जाएगी तो मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि इमेज देखो छोटी साइज़ की बन रही है, छोटी साइज़ की बन रही है, तो ऐसे मिरर का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, गाड़ी के साइड ग्लास में हम ऐसे मिरर का यूज़ कर सकते हैं। देखो साथ के साथ इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट का मतलब सीधा बन रहा है, तो आपके जो पीछे गाड़ियाँ हैं वो एकदम सीधी दिखेंगी, एक छोटी साइज़ की दिखेंगी, कितनी बड़ी साइज़ आती है, कितने ट्रक वगैरह कितने बड़े होते हैं तो उसकी साइज़ छोटी दिख जाती है उसके अंदर। तो हम कौन से मिरर का यूज़ करते हैं आपके साइड ग्लास में, गाड़ी के साइड ग्लास में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, किसकी वजह से, एक तो इसकी वजह से और एक इस पॉइंट की वजह से, ठीक। अच्छा जब आप लोगों का बट्टा ये पॉइंट हो गया तो इसके बाद जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या बच्चों, मिरर फॉर्मूला, तो देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये होता है बच्चों आपका, 1/v + 1/u = 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है, जहाँ पर v क्या होता है, u क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं कॉनकेव मिरर की मैं बात करूँ बच्चों, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक, यहाँ आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस होगा, अगर आपका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, ये आपका पोल होता ही है। अगर आपकी रे लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रही है तो मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा, और अगर रे राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रही है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ये साइन कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपका, मिरर जो फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारा, 1/v + 1/u = 1/f = 1/u + 1/v, आपका ये मिरर फॉर्मूला होता है। अब मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूँ, मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन ये होता है बच्चों, मैग्नीफिकेशन आपका एक तरह का क्या है, रेशियो होता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्नीफिकेशन आपका क्या होता है, एक तरह का रेशियो होता है। तो अभी आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीफिकेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन देगा, ये यूनिट लेस होता है, क्यों, क्योंकि रेशियो है बच्चों, रेशियो की कभी यूनिट नहीं होती है। तो रेशियो किस किस का है, ये है बच्चों आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है बच्चों कि ये माइनस के वी अपॉन यू के इक्वल भी होता है। तो मतलब तीन फॉर्मूले, मतलब यहाँ पर आपको अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यदि v और u दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। अब सर ये v और u कैसे दिया जाएगा, कैसे क्या क्या जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, जैसे कि मतलब मेरा जो लेक्चर होगा ना, जो थर्ड लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको v और u, माइनस v कब लेंगे, माइनस u कब लेंगे, प्लस u कब लेंगे, हाइट पॉजिटिव कब लेंगे, हाइट नेगेटिव कब, वो आपको लास्ट वाले आई मीन थर्ड लेक्चर में समझ में आ जाए। तो हमारा यहाँ पर बच्चों ये रिफ्लेक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने इसको क्रैश कोर्स की तरह इसको पढ़ाया है बेटा, ठीक है, मैं क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रखा होगा,
फिर भी मैंने इसको क्रैश कोर्स की तरफ बढ़ाया, तो आप इसको पहले एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना। सो हमारे यहाँ रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो आएगा रिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, और पढ़ते रहो और खुश रहो, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें।